हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूं आपके लव रिलेशन का क्या फ्यूचर होगा इस पर एक कलेक्टिव रीडिंग। सो देखते हैं आपकी जो भी लव रिलेशनशिप है इसका क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है, क्या आप जो इमेजिन कर रहे हो वही होगा, जो कुछ भी आपने सोचा है क्या वही होगा, ये सब कुछ आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा अगर आप भी चाहते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, आई एम ब्लेस्ड, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई आप भी ब्लेस्ड हो और लोगों की तरह, तो जरूर लिखें आई एम ब्लेस्ड। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके जो लव रिलेशन है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके जो लव रिलेशन है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। आपके लव लाइफ का क्या फ्यूचर होने वाला है, ओके। सो आपका यहां पे है नाइट ऑफ कप्स, डी डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ वॉन्स। बॉटम में है आपका फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्स एंड टेन ऑफ वॉन्स। ओके, सो आप में से काफ़ी लोगों के बीच में इस वक्त हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा असमंजस वाली एनर्जी बनी हुई है, या फिर कहूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर झगड़े चल रहे हैं, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया टाइप ऑफ। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी अपोजिट हैं एक दूसरे से, और आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में झुकने को तैयार नहीं है। अगर गलती आपकी थी तो आप, उनकी थी तो वो, यानी कि आप दोनों में से ये कह रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा आप दोनों कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ परसेंट गलती उनकी है तो कुछ परसेंट गलती आपकी है। हालांकि यहाँ पे इमोशंस काफ़ी स्टेबल हैं, यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है तो दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि अगर बात करें हम फाइनेंस के रूप में, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आप दोनों फाइनेंस आपका इक्वल है और इमोशनल भी इक्वल है, या फिर यानी कि कहूँ जैसा आप फील करते हैं वैसा वो फील करते हैं, जैसे आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो वैसे वो भी अपनी लाइफ में स्टेबल है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल बताता है आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर आने वाले फ्यूचर में अगर आप दोनों सेपरेट हैं ऑलरेडी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कोई धोखा दें या फिर किसी भी तरह की चीटिंग आपके साथ में करें। आप दोनों का रिलेशन काफ़ी इक्वल होगा और आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। करंट के सिचुएशन को देख के आप अपने आने वाले फ्यूचर को बिल्कुल भी जज ना करें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मेरा पार्टनर जो है अभी इतना लड़ता है, आगे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा मतलब अटैच हो जाओगे ना कि एक मिनट का भी ख्याल आपके दिमाग से नहीं जाएगा, क्या ही आप एक दूसरे को छोड़ोगे। बिकॉज डेविल कार्ड है यहाँ पर, तो डेविल कार्ड की एनर्जी बताती है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच रहोगे, आप एक दूसरे को बहुत एडमायर करोगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक मैरिज के बाद अगर आपका काम किसी और सिटी में है, आपका काम किसी और सिटी में है, तो आप लोग कॉल पर बातें करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इस तरीके से आप एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखोगे, तो उसको समझोगे, बहुत प्यार करोगे, बहुत एडमायर करोगे। किसी किसी के लिए अभी हाल ही में कोई प्रपोजल आया है, यही व्यक्ति है जो आपके प्यार आप आने वाले आपका नेक्स्ट रिलेशन बनेगा। आप में से काफ़ी लोग अपने पास्ट रिलेशन से यानी कि अपने एक्स को फाइनली छोड़ चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर का, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्स है और नाइन ऑफ वॉन्स है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने एक्स को छोड़ कर ब्लॉक करके कम्प्लीटली और अपने न्यू पार्टनर का वेट करें। अभी आप करेंटली सिंगल हैं और अब आप आने वाले फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं कि जो भी आएगी या आएगा उसके साथ में आप अपने रिलेशन का शुरुआत करेंगे।
ठीक है, आप में से काफ़ी लोग, आपके पार्टनर भी और आप भी, अगर एक दूसरे से नहीं मिले तो वो अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ब्राज़ील से हो सकते हैं, दक्षिण अमेरिका से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अफ्रीका से हो सकते हैं, या फिर यूरोप से हो सकते हैं अगर आप एब्रॉड में शादी करते हैं तो। किसी किसी के यहाँ पर आपको सामने से प्रपोजल मिलेगा, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी। किसी किसी के लिए लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको वर्क के थ्रू मिले, आप दोनों का सेम प्रोफेशन हो, या फिर आपके फादर और आपके फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड का सेम प्रोफेशन हो, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को चुने, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सामंजस्य बिठाने वाले होंगे, एक काम आप करोगे दूसरा वो करेंगे। अगर आप दोनों वर्किंग है तो ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड आपकी वाइफ आप पे ही पूरा डिपेंडेंट होंगे, नहीं, आधा काम वो करेंगे घर का, आधा आप करेंगे और दोनों जल्दी जल्दी निपटा कर अपने अपने ऑफिस जाओगे। क्योंकि हम देख सकते हो किसी किसी के लिए आप दोनों ही वर्किंग होंगे, या तो कोई एक डॉक्टर हो सकता है और एक कोई और जॉब में हो सकता है, या फिर अगर कोई बैंक की फील्ड में है तो आप कोई हीलर, कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या कोई भी ऐसे काम करते होंगे जहां पर आपका कनेक्शन, आपका वर्क एकदम अलग होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, या फिर कहूंगी एक दूसरे के काम को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी आप दोनों की, ठीक है। लेकिन आप दोनों का फील अलग भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज पकड़ी जा रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप दोनों की ही सोल इंडिपेंडेंट है, तो अगर फ्यूचर में आप अपने रिलेशन में अच्छा सामंजस्य चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को कभी भी कैप करने की, लाइक कवर करने की कोशिश ना करें कि वो आपके हिसाब से चले, ना वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप भी उनको अपने हिसाब से ना चलाओ, तो आप दोनों का रिलेशन काफ़ी स्मूथ आगे बढ़ेगा, काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा। अगर आपने उनको कैद करने की कोशिश की तो कलेश बढ़ेंगे, खामो खा के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नाइन ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ वॉल्स के अकॉर्डिंग आप दोनों का यहाँ पर सिमिलर अपने एक दूसरे की एनर्जी रखनी है और समझना है एक दूसरे को, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप दोनों को किसी की सुननी नहीं है, लाइक थर्ड पर्सन की, ठीक है। अपने अपनी समझदारी से आपको चलना है यहाँ पर, कैसे आपको काम करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ आप ही को सोचने की ज़रूरत है। चलिए अभी आउटकम देखते हैं और क्या है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप दोनों के मन से एक दूसरे का ख्याल जाएगा ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी तो क्या ही आएगी। लेट्स सी और देखते हैं। क्या है आपके लव का फ्यूचर? फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वंड्स, एस ऑफ वंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, Queen of Pentacle again, Four of Swords, The Emperor. आप में से काफ़ी लोग अभी अपने फ्यूचर स्पाउस यानी कि इस इंसान से मिले नहीं हैं जिससे भी आपका लव रिलेशन बनेगा, अभी फ़िलहाल आप मिले नहीं हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे आप मिले, या फिर करीबन 2 महीने या 1 साल या 2 साल के भीतर आप इस इंसान से मिले। फिलहाल आप में से काफ़ी लोगों का जो फोकस है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों का फोकस है कि अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल किया जाए, कैसे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जाए, अपने लाइफ को एक एक तरीके से पॉजिटिव माइंड सेट में आपको क्रिएट करने का आप योजना बना सकते हैं। मैं अगर देखूँ तो मैं देख सकती हूँ कि आप जिससे भी आने वाले फ्यूचर में रिलेशन रखेंगे, ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अपनी फील्ड में परफेक्ट होगा, आप अपनी फील्ड में परफेक्ट होगे, और
परफेक्ट इज़ लाइक बहुत ही बड़ा अहदा। आप में से कुछ लोगों को ना नेचर से बड़ा प्यार होगा, पेड़ पौधे लगाना, गार्डन में बैठना। आप में से हो सकता है किसी का अपना खुद का एक गार्डन हो और सुबह शाम वहाँ बैठकर आप चाय कॉफ़ी पिए, आपस में यू नो दिन भर की बातें पूछे, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, आज क्या, आज सुबह का टाइम है तो आज क्या प्लान है, आपस में बातें करना। लेकिन पता नहीं क्यों देख रही हूँ आप में से कोई बड़ा शौकिया होगा गार्डन में बैठकर सुबह कॉफ़ी पीना, आपके खुद के गार्डन में जो होता है यू नो, तो उस तरीके से बैठना, वहाँ बातचीत करना, बच्चों के साथ में खेलना, बच्चे वहीं खेल रहे हैं आप लोग बातें कर रहे हैं, वो एक तरीके से जो मोमेंट होता है। आप ऐसे कोई नेचर लवर है, नेचर में रहना आपको बहुत पसंद रहेगा और आपके सिमिलर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको पेड़ लगाना बहुत पसंद है, गार्डन में आपको यू नो एक तरीके से प्लांटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो बहुत अच्छे से करोगे और उसमें कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है, आपके जो पार्टनर होंगे वो अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो यहाँ पर, जॉब, बिजनेस, सोशल वर्किंग, पेड़ पौधों के लिए कुछ करना, कुछ भी समाज के लिए प्रमुख काम अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप बेशक यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक जनरल मैसेज बताना चाहती हूँ, आप अपने लाइफ में जो भी योजनाएँ बनाएं, चाहे रिलेशनशिप को लेकर बनाएं, चाहे किसी काम को लेकर बनाएं, चाहे अपने हेल्थ को लेकर बनाएं, आप कभी भी उस काम को खुद सामने वाले इंसान से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपके लाइफ में दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हैं और वो आपके बस एक इसी फिराक में रहते, कैसे भी करके आपके एक कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसको तिल का ताड़ बनाकर दुनिया के सामने रखा जाए। तो मैं कहूँगी कि दूसरों को ये मौका ना दें, अपनी बातों को जब तक काम ना हो जाए अपने ही मन में रखें। अगर आपके परिवार में आपके जो पापा मम्मी का जो एकदम रियल परिवार होता है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसके पेट में कोई बात नहीं पसती, बहुत ज़्यादा बोलती है या बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी अपनी बातें छुपाएं। और बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मेरा परिवार है सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत है, ये धोखा होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, अगर आपको पता है कि सामने वाला मुँहफट है, कुछ भी उल्टा सीधा एक्शन ले सकता है, तो मैं कहूँगी कि आप उस इंसान की तरफ ना जाएं और अपने लिए थोड़ा सा आप रियल सोचें कि हाँ भाई मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी बातों को छुपाएं, यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ सोर्सेस, थोड़ा सा गहराई में जाके सोचें और फिर देखें कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको बता सकते हो, कौन सा व्यक्ति जिसको नहीं बताना चाहिए, कोई मित्र है। अंधविश्वास किसी पे करते हो, नहीं करना अंधविश्वास। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक पुलिस वाला तो अपने पिताजी को भी शक की निगाह से देखता है, एक पुलिस वाला। ठीक है, और भाई माइंड मत कर लेना इस चीज़ को, मैंने दूसरों से सुना है, जिससे सुना है उसको जाके ब्लेम करना, मैंने से जिससे सुना है उसको बोल रही हूँ, आप कमेंट में बोलने लगो ऐसे कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने बोला आप उसको उससे जाके लड़ना, मैंने नहीं बोला ये। ठीक है, सो फोर ऑफ कप्स है, यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से आने वाले कुछ वक्त में, या तो करंटली या तो आने वाले वक्त में कोई इमोशंस जोड़ने वाले हैं, वो इमोशन जोड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उस इंसान से अपनी भावनाएं ना जोड़ें, क्योंकि अगर आप किसी अननोन पर्सन से अपनी भावनाएं जोड़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टॉक्सिक हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि अपने लिए थोड़ा सा एक अलग मोमेंट क्रिएट करें, अपने लिए टाइम बिताएं और एक इंडिपेंडेंट सोल बनकर ही जिएं, साथ में रहें लेकिन साथ में ना रहें, आप प्यार जताएं लेकिन बिल्कुल भी प्यार ना जताएं, इट्स लाइक बिल्कुल ही अपनी आत्मा निकाल के रख दी ले भाई और पता पड़े उसने फुटबॉल मार दी, तो भाई अपनी इंडिपेंडेंट सोल को एक एक तरफ रख लेना है, प्यार को प्यार की तरह करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रस्तुत नहीं करने के सामने कि आप लो ये मेरी इज्जत है, आप उसको जैसे चाहो आप उसको अपनी तरफ रख सकते हो, नो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है, अगर आपने मेरी नहीं रखी तो मैं आपकी नहीं रखूँगी, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर रिलेशनशिप रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, आप दोनों एक दूसरे के बीच में काफ़ी अच्छी सामंजस्य रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन इक्वल रहेगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग आप जो भी करो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही मिल बांट के करोगे, आपके पार्टनर उतने ही लॉजिकल होंगे जितने आप लॉजिकल होगे और उतने ही इमोशनल होंगे जितने कि आप इमोशनल होगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि आप बहुत लॉजिकल हो पार्टनर बहुत इमोशनल है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप मैनेज करना, हालांकि वो भी करेंगे बिकॉज मैं देख सकती हूँ आप दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, इट्स लाइक एक परफेक्ट कपल, वाव वाला कपल, यू नो इस तरीके से। तो
विक्ट्री है आपके रिलेशन में, विक्ट्री है, एक आप एग्जांपल बनोगे कपल्स में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस किस तरीके से कि पार्टनर को समझने में जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक आपको थोड़े से यू नो अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए थोड़ा सा आपको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को समझने में भी आपको शादी के बाद 6 से 7 महीने या रिलेशनशिप स्टार्ट होने के 5 से 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आप एक दूसरे को समझेंगे और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, सो यदि आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।